पीएम मोदी का मिशन गुजरात। आज देश को तीसरी वंदे भारत ट्रेन मिलेगी। पीएम मोदी गांधीनगर मुंबई सेंट्रल ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें हैं। नहीं किया जा सकता, तो ऐसे में अब इस रूट को यहाँ के लोगों को किस तरीके से फायदा पहुंचाया जाए, किस तरीके से आर्थिक गतिविधियों को और गति दी जाए, इसको लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा शायद ये विजन रहा हो। इसी वजह से जो है ये किस ट्रेन को जो है गांधीनगर अहमदाबाद होते हुए मुंबई के लिए चलाया जाए। महाराष्ट्र के अन्य शहरों से मुंबई के हो, अब जो इस ट्रेन के आने जाने से अब उनके लिए सबसे बड़ी बात क्या है कि आप अगर हवाई जहाज से बहुत ज्यादा दूरी नहीं है यहाँ से, क्योंकि अगर मुंबई से यहाँ की बात करें, हम अहमदाबाद की बात करें, गांधीनगर की बात करें, तो 540-550 किलोमीटर का जो है वो इसकी दूरी पड़ती है। रोड से अगर देखें तो तकरीबन 650-700 किलोमीटर का की दूरी पड़ती है। ट्रेन से ये जो वो 550 किलोमीटर के आसपास पड़ता है। तो अगर अगर रोड से आप जा रहे हैं और आपको रोड से जाने में 9 से 10 घंटे लग रहे हो और उसके बाद आप सुबह निकलते हैं और कोई बिजनेस भी नहीं कर पा रहे हैं, उसके बाद फिर लौटना भी आपके लिए मुश्किल है, और ट्रेन से भी जा रहे हैं तो ओवरनाइट जर्नी करके जा रहे हैं, तो ऐसे में ये जो सेमी हाई स्पीड ट्रेन है उन लोगों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। क्योंकि इस ट्रेन के जो है मुंबई से जो है सुबह चला करेगी और यहाँ पर जो है तकरीबन 12-1 बजे के आसपास पहुंच जाएगी। बहुत ही कम समय में, सबसे जो ट्रेन कम समय लगाती है उसमें वो यहाँ पहुंचेगी, और यहाँ पर जो काम है वो करने के बाद यहाँ से जो ये ट्रेन है गांधीनगर अहमदाबाद से दोपहर। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं गांधीनगर की, ये तस्वीरें हैं, लाइव तस्वीरें हैं। तो पीएम मोदी गांधीनगर मुंबई सेंट्रल ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले दौरा करते हुए पीएम मोदी, और क्योंकि ये ट्रेन लोगों के लिए सौगात रहने वाली है, उन लोगों के लिए जो अहमदाबाद से मुंबई जाते हैं, गांधीनगर से मुंबई जाएंगे या गुजरात से मुंबई जाते हैं, और ज्यादातर गुजरात में बिजनेसमैन जो मुंबई जाके बिजनेस कर रहे हैं या जो मुंबई से गुजरात में बिजनेस करते हैं, उन लोगों के लिए बहुत बड़ी ये सौगात रहने वाली है, क्योंकि बहुत ज्यादा समय ये हाई स्पीड ट्रेन लेगी नहीं और इसलिए ये सौगात उन लोगों के लिए रहने वाली है। तो आज ये हरी झंडी दिखाकर पीएम मोदी गुजरात के लिए ये सौगात देने वाले हैं। मुंबई तक ये ट्रेन चलेगी, मुंबई सेंट्रल ट्रेन को हरी झंडी दिखाने वाले हैं पीएम मोदी। लेकिन किस तरह से ये टेक्निक से काम करती है और किस स्पीड से ये चलने वाली है, कितनी दूरी ये तय करेगी, और जब ये दूरी तय करेगी तो जो ट्रेन में भी कहा गया कि इस तरह की ट्रेन भी है जिससे आप पानी का गिलास रख दीजिए और ट्रेन चल रही हो हाई स्पीड में, उसके बाद भी पानी के गिलास में से पानी नहीं छलकेगा, तो उस तरह से अब ट्रेन जो है वो भारत में भी नजर आ रही है। आज गुजरात के लिए बहुत बड़ा दिन है, आज देश को भी तीसरी वंदे भारत ट्रेन मिलेगी। तो पीएम मोदी गांधीनगर मुंबई सेंट्रल ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे, उससे पहले यहां निरीक्षण करते हुए नजर आ रहे हैं। गुजरात के सीएम भी इस दौरान मौजूद। तो पहले दिन मोदी ने सूरत भावनगर में कई परियोजनाओं का शिलान्यास लोकार्पण किया। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में देश के 36वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन किया। दूसरे दिन वो गांधीनगर मुंबई वंदे भारत एक्सप्रेस को गांधीनगर स्टेशन पर हरी झंडी दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें जब उसका निरीक्षण करते हुए अवलोकन करते हुए प्रधानमंत्री नजर आ रहे हैं, क्योंकि अब से कुछ समय बाद वो इस ट्रेन को हरी झंडी दिखा देंगे। लेकिन ये एक आदत में शुमार प्रधानमंत्री मोदी की रही है कि जब भी वो कोई परियोजना विकास कार्य का लोकार्पण करते हैं, चाहे वो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट हो जहां प्रधानमंत्री मोदी रात को पहुंचे थे और उसका निरीक्षण किया था, अवलोकन किया था कि किस तरह से कार्य चल रहा है, और अब चाहे इसकी सौगात देने वाली हूं ये गांधीनगर मुंबई सेंट्रल ट्रेन जिसको हरी झंडी दिखाने वाले हैं, अब से कुछ ही पल में ये ट्रेन जो है वो रवाना हो जाएगी और हरी झंडी दिखाकर इसको पीएम मोदी रवाना कर देंगे। तो यहां से ट्रेन कालूपुर रेलवे स्टेशन जाएगी और अब से कुछ ही समय में ये ट्रेन हरी झंडी दिखाकर रवाना, हरी झंडी दिखा दी प्रधानमंत्री मोदी ने और इसके बाद ये रवाना, और खुद प्रधानमंत्री मोदी वहां पर पहुंचेंगे, यानी कि रेलवे स्टेशन जहां ये जाने वाली है, कालूपुर रेलवे स्टेशन। यहां पर एक उत्साह सभी में नजर आ रहा है, क्योंकि ये एक शुरुआत जो है वो शुरुआत बेहतर शुरुआत है जिसका इंतजार गुजरात वासियों को, और इसी के साथ साथ उनकी समस्याएं जो है वो भी कम होती नजर आएंगी। जो लोग रोज ट्रैवल करना चाहते हैं या काम से जाना चाहते हैं तो बहुत ज्यादा समय मुंबई जाने में लगता था, वो समय अब कम हो गया और उससे उनको राहत भी मिलेगी।
तो प्रधानमंत्री मोदी जिन्होंने ये सौगात गुजरात को दी है, उसके बाद देखिए किस तरह से नारेबाजी भी हो रही है, हरी झंडी दिखाई जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी ये हरी झंडी दिखा रहे हैं, ये सौगात देशवासियों के लिए है, ये सौगात गुजरात के लिए है, मुंबई के लिए है। गांधीनगर मुंबई सेंट्रल ट्रेन को हरी झंडी दिखाई प्रधानमंत्री मोदी ने, और अब ये ट्रेन रवाना हो गई है। ये ट्रेन जो कालूपुर रेलवे स्टेशन जाएगी और वहां के लिए ये ट्रेन रवाना हुई है। हाई स्पीड ट्रेन है ये वो हाई स्पीड ट्रेन जिसमें बैठने के बाद ये एहसास नहीं होता है कि आप ट्रेन में, बहुत स्पीड वाली ट्रेन में सफर कर रहे हैं। हाईटेक ये ट्रेन है और इसका निरीक्षण भी प्रधानमंत्री मोदी ने किया कि किस तरह से ये ट्रेन जो है वो कार्य करने वाली है, जो इसमें लोको पायलट होंगे, जो इसको चलाएंगे, वो किस तरह से इस ट्रेन को का संचालन करने वाले हैं, क्योंकि ये ट्रेन जो हैं वो हाई स्पीड और हाई टेक्निक से बनी होती हैं। तो ये टेक्निक्स किस तरह से कार्य करती हैं और दूसरी जो ट्रेन्स होती हैं उनसे कैसे ये जुदा है, इस चीज को भी समझते हुए प्रधानमंत्री मोदी नजर आए और अब उसको हरी झंडी देकर रवाना प्रधानमंत्री मोदी कर चुके हैं। कालूपुर रेलवे स्टेशन अब ये ट्रेन रवाना होगी। 10:30 का समय था, 10:30 बजे इस ट्रेन को रवाना करना था और सही टाइम जिसके लिए जाने जाते हैं प्रधानमंत्री मोदी, अनुशासन के लिए, टाइम के लिए, समय के पाबंद होने के लिए, और वही समय की पाबंदी के साथ, और कह सकते हैं 3 मिनट पहले ही इसको हरी झंडी दिखाकर रवाना पीएम मोदी ने कर दिया है। आपको बता दें अंबाजी में भी 72,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। इसके बाद वे शाम को अंबाजी माता के दर्शन और करेंगे, पूजा करेंगे और गब्बर तीर्थ में महाआरती में भी शामिल होंगे। तो आज का ये कार्यक्रम प्रधानमंत्री मोदी का बेहद खास कार्यक्रम, और गुजरात से उनका हमेशा गहरा नाता रहा है और इसलिए जब गुजरात पहुंचे हैं तो गुजरात वासियों के लिए बहुत सारी सौगातें हैं और यही सौगात देते हुए प्रधानमंत्री मोदी नजर आ रहे हैं। जब यहाँ हरी झंडी प्रधानमंत्री मोदी दिखा रहे थे ट्रेन को तो तालियां बजाई जा रही थी, और ये तालियां, ये स्वागत इसलिए क्योंकि ये एक बेहतर परियोजना, बेहतर विकास कार्य, बेहतर सौगात गुजरात वासियों के लिए है, देशवासियों के लिए है।